नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल इंडियन टेस्ट में। दोस्तों मैं आज आपके सामने डिलीशियस और स्वादिष्ट तुरई की सब्जी लेकर के आया हूँ। दोस्तों कहीं कहीं से नेनुआ भी कहा जाता है, आपके यहाँ क्या कहा जा सकता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अक्सर ये सब्जी बच्चे खाने में बहानाबाजी करते हैं, पर आज हम लोग इस तरह से बनाएंगे ताकि बच्चे भी मना नहीं करेंगे खाने से। इसके लिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैंने तुरई ले लिया है, ये आधा किलो मतलब 500 ग्राम ये तुरई है, बिल्कुल ताज़ी और फ्रेश है। और इसके छिलके को इस प्रकार से नाइफ से हम लोग इस प्रकार से निकाल लेंगे सारे छिलके को, ठीक है, क्योंकि इसके छिलके बहुत पतले होते हैं, इस चलते इसे इसी तरह से हम लोग सारे छिलकों को साफ़ कर लेंगे। चलिए दोस्तों, इसमें मैंने देख सकते हैं सारे छिलके निकाल लिए हैं, अब इसे धो करके अच्छे प्रकार से साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, देख सकते हैं जैसे कि मैंने इसे साफ़ कर लिया, अच्छे पानी से धो करके साफ़ कर लिया। अब इसको चलिए हम लोग इसके कट कर लेंगे, इसके ऊपरी वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को हम लोग इस प्रकार से नाइफ से हम लोग अलग कर देंगे, इसका यूज नहीं करना है। फिर बीच से हम लोग इसे दो भागों में बांट देंगे और फिर इसके हम लोग छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, ज़रूर से ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। इस हिसाब से देखिए हम लोग सारे तुरई को हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। दोस्तों अक्सर क्या होता है, बच्चे नेनुए की सब्ज़ी या तुरई की सब्ज़ी खाने में बहुत बहानाबाजी करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, पर आज हम लोग आज तुरई की सब्ज़ी में एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। चलिए दोस्तों, ये कट चुका है, अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा दिया, गर्म हो चुका है। इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाल देता हूँ, 2 से 3 चम्मच, ठीक है, आप किसी भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने खड़ा जीरा डाल दिया 1/2 चम्मच, और साथ ही साथ हम लोग एक चुटकी हींग, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे स्वाद भी बहुत बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, अब गैस के फ्लेम को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, मीडियम कर देंगे, और फिर 2 मीडियम साइज का प्याज इस प्रकार से काट के छोटे टुकड़ों में हम लोग डाल देंगे। और जब ये सॉफ्ट हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग 1 चम्मच अदरक लहसुन को घिस करके डालना, इसका पेस्ट यूज़ नहीं करना है। साथ ही साथ हम लोग स्वाद के अकॉर्डिंग अपना हरा मिर्च ले लीजिएगा आप लोग, और फिर हम लोग कुछ खड़े लहसुन की कलियों को भी इस प्रकार से लेंगे, इससे भी इसका स्वाद ज़बरदस्त बढ़ जाता है। आप ऐसा एक बार करके देखिएगा और इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाएगा। जब ये भी सॉफ्ट हो जाएगा, ये फ्राई हो जाएगा, उसके बाद एक बड़े साइज़ का टमाटर, अगर बड़ा साइज नहीं है आपके पास में तो 2 मीडियम साइज़ का टमाटर, और स्वाद के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें नमक डाल देंगे और इसे अच्छे प्रकार से हम लोग मिक्स कर लेंगे और ढककर 5 मिनट तक ले लगभग हम लोग इसे पकने देंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार देखते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक एक कमेंट मुझे उत्साह बढ़ाता है ताकि मैं आपके सामने नए वीडियो लेके पेश होता हूँ। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये 5 मिनट हो चुका था और टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब हम लोग कुछ मसाले इसमें ऐड कर देते हैं, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे इसका कलर ज़बरदस्त आएगा। कश्मीरी लाल मिर्च तीखा नहीं होता है, बस इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। और इसे मिक्स करके इसे भी हम लोग 5 मिनट तक ले बिल्कुल लो फ्लेम में हम लोग छोड़ देंगे। अब बीच बीच में आप इसे इस वगैरह चलाते जाइएगा ताकि कढ़ाई पर ना चिपके, ठीक है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं 5 मिनट हो चुका है और मैंने 2 से 3 बार इसे चलाया हूँ, देख सकते हैं ऑयल रिलीज हो गया है इसमें से, इसका मतलब मसाले हमारे सारे रोस्ट हो गए हैं। अब इसे ऐसे प्रकार से हम लोग मिक्स करके तुरई जो हम लोग काट के रखे हैं, सारे तुरई को हम लोग इसमें डाल देंगे और इसे चम्मच से हम लोग अच्छे प्रकार से मिक्स करेंगे। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी दोस्तों आप स्किप करके वीडियो देखते हैं जिससे सारे प्रोसेस आप नहीं देख पाते हैं और फिर जिससे आपकी सब्जी अच्छी नहीं बनती। इस चलते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि मैं प्रयास करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बनाऊँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग मिक्स करके और फिर इसे हम लोग ढक देंगे 5 मिनट तक लिए, ठीक है। अब 5 मिनट के बाद दोस्तों देखिएगा, इसमें हल्का हल्का पानी रिलीज होने लगेगा, क्योंकि पानी हम लोग इसमें एक्स्ट्रा नहीं डालना है सब्जी बनाते वक्त, इससे जो पानी रिलीज होगा उसी पानी से ये सारे तुरई की सब्जी पक जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, 2 चम्मच रोस्ट किया हुआ भुना हुआ मूंगफली का दरदरा सा पाउडर लोग डाल देंगे दोस्तों, इससे स्वाद इसका ज़बरदस्त इन्हेंस हो जाएगा और बच्चे भी इसे खाने में फिर से मना नहीं करेंगे, वो भी बहुत चाव से इस तुरई की सब्जी को खाएंगे, ठीक है दोस्तों। और इसे अच्छी प्रकार से मिक्स करने के बाद में फिर से इसे ढक के हम लोग 5 मिनट तक लिए मीडियम फ्लेम में पकने देंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं फिर से 5 मिनट हो चुका है और ये देखिए दोस्तों, अब पानी और ज़्यादा रिलीज हो गया है और ये हमारी सब्जी लगभग पक भी गई है लोगों दोस्तों। अब हम लोग इसके स्वाद को और इन्हेंस करने के लिए इस समय हम लोग कुछ मसाले और ऐड कर देंगे। हम लोग 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और साथ ही साथ इसके स्वाद को और इन्हेंस करने के लिए हम लोग 1/2 चम्मच कसूरी मेथी इस प्रकार से हाथ में रब करके हम लोग इसे
डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। और इसे अच्छे प्रकार से मिक्स करने के बाद में फिर से हम लोग इसे 5 मिनट तक के लिए हम लोग पकने देंगे। पर ध्यान रखिए दोस्तों, बीच में आप 1 से 2 बार जरूर चला लीजिएगा ताकि ये कढ़ाई पे ना चिपके। तो दोस्तों ये देखिए हमारी तुरई की मसालेदार यम्मी डिलीशियस रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। इस रेसिपी को खाने में से आप बच्चे भी मना नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और बच्चों को भी खिलाइए। अब ये देखिए हमारा तुरई की सब्जी तैयार हो गई है। अब इसे हम लोग थोड़ा देर 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये इसका मसालों का फ्लेवर बिल्कुल तुरई के अंदर तक चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसे हम लोग अब सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की आपको हमारी तुरई की रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर बनाइए। और इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी साथ मिलते रहेंगे दोस्तों, नए नए रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास सफाई।